हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद नई माँ की मसाज के बारे में कि डिलीवरी के बाद मसाज करना कब से शुरू करना चाहिए और कितने टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहिए, मसाज करने का सही तरीका क्या है और मसाज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9 महीने होने वाली माँ के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत थका देने वाले होते हैं, तो ऐसे में डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवर करने के लिए मसाज करने की सलाह दी जाती है। मसाज करने से उन मसल्स और टिश्यूज़ को मजबूती मिलती है जो प्रेगनेंसी के दौरान कमज़ोर हो जाती हैं, और ये नई माँ को मेंटली रिलैक्स करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत सी मालिश वाली या जापा बाई होती हैं जो मसाज की एक्सपर्ट होती हैं और हर रोज़ आपके घर पर आकर नई माँ और शिशु की मसाज करती हैं। जनरली मसाज पैरों से शुरू होती है और फिर शरीर के ऊपरी हिस्सों की तरफ जाते हुए सिर की मसाज से इसका एंड होता है, और ये माँ को रिलैक्स रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और जिस समय आप मसाज करवाती हैं उस समय ये इंश्योर करें कि जो बेबी है वो अपने फादर के पास या फिर दादी या फिर नानी के पास हो, ताकि आप बिना किसी चिंता के आराम से मसाज करवा सकें। अब हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद मसाज करवाना कब शुरू करना चाहिए। पहली बात, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप अपने डिलीवरी के दिन के 1 हफ्ता बाद से मसाज करवाना शुरू कर सकते हैं, और फिर 40वें दिन तक या फिर कुछ दिन और तक आप मसाज को कंटिन्यू रख सकती हैं। दूसरी बात, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो पहले आप अपने स्टिचेस को ठीक हो जाने दें। स्टिचेस को अच्छे से ठीक हो जाने पर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मसाज करवाना शुरू करें। इतने दिनों तक आप अपने हाथों, पैरों और सिर की मसाज करवा सकते हैं, लेकिन पेट की मसाज को करवाने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अब हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद मसाज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो फर्स्ट है दर्द से राहत। जनरली लेडीज़ में डिलीवरी के बाद मसल्स और घुटनों में पेन रहने लगता है, तो ऐसे में मसाज करने से इस दर्द से राहत पाई जा सकती है और मसाज से मांसपेशियों को मजबूती भी मिलती है। सेकंड है तनाव से राहत। 9 महीने की प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिस वजह से लेडीज़ में मेंटली स्ट्रेस की स्थिति आ सकती है और बच्चे की देखभाल भी सही से नहीं हो पाती है, तो ऐसे में इस स्थिति से निकलने में मसाज काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है सूजन से राहत। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ के हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, तो मसाज की हेल्प से सूजन के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फोर्थ है फास्ट रिकवरी। मसाज से बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और उन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को मजबूती मिलती है जो प्रेगनेंसी के दौरान कमज़ोर हो गए थे, और पेट की मसाज से गर्भाशय को वापस से अपनी पोजिशन लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है बेटर मिल्क प्रोडक्शन। मसाज से माँ के मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी सुधार आता है, और अगर कोई गांठ है तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाती है। इसके अलावा मसाज करने से स्ट्रेच मार्क्स जल्दी ठीक होते हैं और नई माँ को अच्छी नींद आती है। अब हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद मसाज करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहला, मसाज करने वाली मसाज थेरेपी की नॉलेज रखने वाली एक एक्सपर्ट होनी चाहिए। दूसरा, टांकों वाली जगह पर तेल से मसाज ना करें। तीसरा, सिजेरियन डिलीवरी में पहले स्टिचेस को अच्छे से ठीक होने दें और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मसाज करना शुरू करें। नेक्स्ट, मसाज करते समय पेट पर दबाव ना डालें। कमर की मालिश करवाते समय अपसाइड से करवट ले लें और पेट पर दबाव ना आने दें। नेक्स्ट है मसाज करने के लिए आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या फिर तिल के तेल का ही यूज़ करें, किसी भी खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल ना करें। तो इन सब तरीकों से आप डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रख सकती हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।